Hey guys, Gavin and Cho. I'm catching up with you guys after a long time. It's a pleasant, very nice morning. It's kind of raining, and then I'm also here, and then I'm working from home. So I'm thinking what to, you know, make lunch for me and my son, and then I'm to give the bottle to my husband. So I thought I'm going to something new so that I can share that with you guys as well. So I was thinking to make some rice, something very healthy, and then some pala, dal, and some juice. So I'm going to share that with you. So let's see, let's go. मैंने चना दाल लिया है और उसको ओवरनाइट सोक करके रखा है। ये मैं आज प्रिपेयर करने वाली हूँ लंच पे, सो देखते हैं क्या है। एक बोल में मैंने लिया है हल्दी, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर एंड रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा हींग लिया है। अभी मैंने गरम पानी को थोड़ा उसमें मसाले में डाला है और स्टर करके थोड़ा देर रख दूंगी सो दैट वो अच्छे से मिक्स हो जाए। एक पेस्टल में मैंने गार्लिक चिली एंड जिंजर लेके उसको अच्छे से कद्दूकस करके लिया है। अभी कुकर में मैं थोड़ा हल्दी, रेड चिली, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा हींग डालूंगी फिर से, थोड़ा सा नमक और उसमें मैं डाल दूंगी अपना सोक किया हुआ दाल। हमको इसको ओवर कुक नहीं करना है और इसमें हम लोग ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था विद गार्लिक एंड जिंजर वो भी डाल दूंगी। अभी थोड़ा हम लोग एक बोल में गर्म पानी करके थोड़ा पालक को ब्लंच कर लेंगे और उसका पानी फेंक देंगे। नाउ लेट्स मेक अ पेस्ट। अभी चेक करेंगे कि हमारा दाल रेडी है कि नहीं, ओवर कुक नहीं करना है ना। एक वोक में अभी थोड़ा तेल लूंगी, उसमें डालना है हमको तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, शाही जीरा, अगर शाही जीरा नहीं है तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अनियन एंड टमाटर जो चॉप करके रखा है वो डाल दूंगी, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे पास रेडीमेड नहीं मतलब रेडी नहीं था तो मैंने जो बाजार से रेडीमेड लिया था वही डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी, नमक करके सॉफ्ट होने दूंगी टमाटर और अनियन को। अभी उसमें ग्रीन चिली डाल दूंगी, थोड़ा रेड चिली, डिपेंड आप कितना तीखा लेते हो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी जो मैंने एक पालक का पेस्ट बना के रखा था वो मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा। जो मैंने पहले ही पेस्ट का पानी बना के रखे था वो अभी मैं डालूंगी सो दैट मसाला जल ना जाए। सो ये एक ट्रिक है, अगर आप चाहते हो यू कि आपका खाने में कलर अच्छा है तो यू कैन डू दैट। मैंने थोड़ा कसूरी मेथी डाल दिया, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाला है, अगर नहीं है तो आप घी डाल सकते हो, थोड़ा दूध डाल सकते हो, आपका ऑप्शन है। अभी मैं बॉईल किया हुआ दाल उसमें डाल दूंगी, मसाला जो हमारा तैयार है। पानी मत फेंकिएगा, पानी भी डाल दीजिएगा। अभी उसको हम उबलने रखेंगे एटलीस्ट 8 to 10 minutes। हमारा दाल रेडी हो चुका है, इट्स लुकिंग गुड। सी द कंसिस्टेंसी, आपको ऐसा रखना है। धनिया पत्ता डाल के थोड़ा गार्निश करके कवर कर दीजिएगा। नाउ साइड पर सही अपना जूस भी रेडी है, डब्बा भी रेडी हो गया है। अभी आई विल गिव इट टू माय हस्बैंड। बाय।